ग्रेट ब्रिटेन ने टोक्यो ओलंपिक्स के 100 मीटर रिले रेस में सिल्वर मेडल जीता था जो उनसे वापस ले लिया गया है। 100 मीटर रिले के बाद खिलाड़ियों का ब्लड सैंपल लिया गया था जिनमें ब्रिटेन के स्प्रिंटर चिचिंजू ओजा के ब्लड में ऑस्टरिन और S23 नामक ड्रग्स पाए गए थे जो एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा बैंड है। ऑस्टरिन और S23 नाम के ड्रग्स को बॉडी मसल को तेजी से बढ़ाने के लिए और एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए लिया जाता है। एंटी डोपिंग डिवीजन ऑफ कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि स्प्रिंटर सीजे ओजा ने रूल को वायलेट किया है जिसके वजह से उनके और उनके टीममेट्स के सिल्वर मेडल को वापस ले लिया गया है। एंटी डोपिंग कोर्ट ने वर्ल्ड एथलेटिक्स से भी रिक्वेस्ट किया है कि इनके ऊपर सही एक्शन लिया जाए और बैन लगाने के लिए भी कहा है। चिचिंदू ओजा ने एंटी डोपिंग कोर्ट के इस फैसले का विरोध नहीं किया पर उन्होंने ये जरूर कहा कि उन्होंने जानबूझकर ये ड्रग्स नहीं लिए थे। उन्होंने कहा कि ये ड्रग्स किसी कंटामिनेटेड सप्लीमेंट्स के जरिए बॉडी के अंदर चला गया होगा। उन्होंने अपने टीममेट्स और उनके फैमिली मेंबर्स से माफी मांगी है और इसके साथ साथ ब्रिटिश एथलेटिक्स को भी अपोलोजाइज किया है। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक्स के 100 मीटर रिले में इटली ने गोल्ड मेडल जीता था जबकि ग्रेट ब्रिटेन और कनाडा ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ग्रेट ब्रिटेन गोल्ड मेडल को 0.01 सेकंड से चूक गया था। अच्छा हुआ गोल्ड मेडल नहीं जीता था, नहीं तो इनका गोल्ड मेडल छिन जाता और इनको और भी ज्यादा तकलीफ होता। अब ग्रेट ब्रिटेन के डिस्क्वालीफाई होने के बाद सिल्वर मेडल कनाडा को जाएगा और ब्रॉन्ज मेडल चाइना को मिलेगा। स्पोर्ट्स अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।